अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ईरानी चाय शेयर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी चाय बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी चार मैंने इलायची लेके यूँ उसको खोल लिया है, बीज निकालनी है। साथ मैंने थोड़ी सी जो है दो चुटकी सौंफ के ले लिए हैं, और मैंने तकरीबन जो है हाफ टी स्पून जितनी जिंजर को बारीक कद्दूकश करके ले लिया है। और मैंने यहाँ एक कप में इस कप में दो कप पानी डाल लिया है, और साथ हमें चाहिए होगी चाय की पत्ती जो भी आप यूज़ करते हैं, और साथ हमें एक इस तरह का कपड़ा चाहिए होगा, मलमल टाइप का कपड़ा जो है उसको हम यूँ रख लेंगे। इस तरह रखने के बाद हम जो है इसको तकरीबन अंदर इतना कर लेंगे कि ये कपड़ा जो है ये पानी को इस तरीके से टच करने लग जाए, ऐसे टच कर ले। और इसमें हम जो है अपना ये जिंजर और ये सारी तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे। हमने अपनी चीज़ें डाल दी हैं सारी, और साथ में ही हम अपनी चाय की पत्ती जो है उसको भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम अपने कपड़े को किसी तार या किसी धागे की मदद से टाइट बंद कर देंगे। मैं क्योंकि चीनी नहीं शामिल कर रही, लेकिन अगर आप लोग चाय में चीनी पीते हैं तो इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है चीनी भी ऐड कर लें साथ। और ये देखिए कि मैंने इसको इस तरीके से अच्छा सा इस कपड़े को बांध लिया है। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, और प्रेशर कुकर में मैंने ऐसे स्टीमर रख लिया, और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। हम जो है पानी ऐड कर लेते हैं, पानी ऐड कर लिया है, और अपने इस मग को इसमें ऐसे रख देते हैं। और अब हम अपना प्रेशर कुकर बंद करके इसको विसल आने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट तक जो है इसको हम पकने देंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। 10 मिनट की स्टीम मैंने दी है, और अब इसका प्रेशर जो है वो कूल डाउन हो गया है। तो अब हम अपना प्रेशर कुकर खोल लेते हैं, और अपने कप को बहुत एहतियात से जो है अब हम निकाल लेते हैं, और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। और अब ये हमने एहतियात से इसको निकाल लिया है, और तार खोल के हमने ये जो ऊपर कपड़ा रखा था इसको निकाल लिया, और यह हमारा जो है कावा रेडी है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। अब हमने चूल्हे पे आटा पैन रख लिया है, और हाँ अब हम अपना ये कावा जो है इसमें ऐड कर लेंगे। और इसमें अब हम दूध ऐड करेंगे। इस कावे में अब मैं एक कप जो है दूध को ऐड कर लूँगी, और अब हम इसको पकने देंगे। पालेंगे जब इसमें वन टू बॉइल्ड आ जाएंगे तो हमारी टी रेडी हो जाएगी, और फिर मैं आपको कप में डाल के दिखाती हूँ। ये हमारी चाय बनके तैयार है, तो अब मैं आपको आगे कप्स में डाल के दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। हमारी मज़ेदार ईरानी चाय बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।